ज़ायरा वसीम जो बॉलीवुड देखो उसका इतना बड़ा टॉपिक बना दे, उसने अरे उसने अपनी मर्जी से एक्टिंग को छोड़ दिया और उसने एक अपना रीज़न दिया। यार अब उसको रीज़न को लो, वो जा रही है उसको जाने दो, उसके जाने से तुम्हें प्रॉब्लम, किसी के आने से प्रॉब्लम, किसी के कुछ बोलने से प्रॉब्लम, कोई अपना ओपिनियन दे तो प्रॉब्लम, कोई कुछ बोल नहीं सकता है। एपीजे कलाम वो भी तो मुसलमान थे, वो टेररिस्ट थे क्या? मिसाइल मैन, मौलाना आजाद, अशफाकुल्ला खान, टीपू सुल्तान, अल्लामा इकबाल, इनके एग्जाम्पल क्यों मुसलमानों से नहीं जोड़े जाते? क्यों हमें लादेन से इन लोगों से जोड़ा जाता है? यही प्रॉब्लम है मुझे। देखिए इस बारे में मैंने पहले भी मीडिया से बात की है, मुझे लगता है कोई भी धर्म आपको ना तो काम करने से रोकता है और ना ही प्यार करने से रोकता है। काम के लिए आपका जो प्यार है कोई भी धर्म उसको रोकता नहीं। इनफैक्ट हर धर्म हमें यही सिखाता है कि आप हर एक से मिलके एक हर एक से प्यार करके रहें। तो ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने जो छोड़ने की बात की है, दैट्स डेफिनेटली हर ओन डिसीजन एंड आई रियली रिस्पेक्ट दैट। बट यू नो ब्लेमिंग द फिल्म इंडस्ट्री जहाँ पे हम सब काम करते हैं प्यार से, हमारे यहाँ ईद में भी छुट्टी होती है, हमारे यहाँ दिवाली में भी छुट्टी होती है, होली में भी छुट्टी होती है और क्रिसमस में भी छुट्टी होती है, हम लोग सब लोग मिल बाँट के हर त्यौहार मनाते हैं। तो हमारी इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे प्यार की बातें करनी चाहिए, जहाँ पे हम प्यार बांट के रहते हैं, हर किसी के साथ मिलजुल के रहते हैं। आपको यहाँ पे भी सारे लोग जो मिलेंगे, यहाँ पे कोई ना कोई क्रिश्चियन, कोई ना कोई सिख, कोई ना कोई मुस्लिम, कोई ना कोई हिंदू मिलेगा और हम सब मिल बांट के यहाँ पे रहते हैं। तो प्लीज़ इस इंडस्ट्री को ब्लेम ना करिए, बस मेरा इतना ही कहना है। अगर आप, क्योंकि आप इस्लाम को बिलीव करती हैं, आप मुसलमान हैं, तो आपने यहाँ कदम ही क्यों रखा, पहली बात। और अगर आपके इस्लाम के बिल्कुल आप अगेंस्ट जा रहे हो, सो आपका ये जो कॉम्बिनेशन आपने खुद चूज़ किया है, दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। रही बात हमारे इस फील्ड की, बॉलीवुड की, तो हमारी शुरुआत ही सारे खानों ने की है और हमें इस बात पे गर्व है कि शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, कितने न जाने कितने खान हैं, इवन विथ आर्ट टेलीविज़न आल्सो। अब तो ये फ़र्क ही नहीं रहा है कि बड़ा पर्दा और छोटा पर्दा, टीवी शो और फिल्म, अब तो सब कुछ इक्वल हो गया है। कपिल शर्मा के शो में टीवी एक्टर्स भी होते हैं और फिल्मी एक्टर्स भी होते हैं। सो आपको अगर ये छोड़ना है तो आपका कोई और वजह हो सकती है, तो या तो आप दम रखिए आपके असली वजह सबके सामने लाने की, आप खामखा अपने काम को और इस्लाम को और ये पक्षपात को बीच में मत लाइए, क्योंकि सारी दुनिया जानती है और इस्लाम के वसूल और बहुत सारे नियम होते होंगे, बट जितने भी मुस्लिम एक्टर्स हैं उनको सब ने प्यार से और बहुत ही मोहब्बत के साथ अपनाया है और मुसलमानों ने भी अपनाया है। सो प्लीज़ डोंट गिव दिस रॉन्ग स्टेटमेंट, आई एम रियली सॉरी। आई रियली डोंट थिंक व्हाट टू से अबाउट इट, इट्स हर डिसीजन, इट्स हर लाइफ एंड आई विल जस्ट लाइक टू विश दैट कि वो जो भी करे वो खुश रहे, जो भी वो कर रही है उसके माँ बाप खुश रहे, उसकी फैमिली खुश रहे, सिक्योर रहे। और आई वुड जस्ट लाइक टू विश हर ऑल द वेरी बेस्ट अगर वो कोई भी प्रोफेशन अब चूज़ कर रही है या फिर उसकी आगे की पूरी लाइफ के लिए। एंड दैट इज़ ऑल आई लाइक टू से। आई थिंक सबको राइट है अपने खुद के डिसीजंस लेने का और शी इज़ एन इंडिपेंडेंट वुमन एंड आई एम वेरी हैप्पी कि जितना टाइम वो यहाँ रही वो उसने बहुत अच्छा काम किया और लोगों ने उसको बहुत पसंद किया। सो या दैट्स इट। ज़ायरा वसीम को जो करना है वो करें, उनको आज़ादी है, मुझे बड़ी खुशी है कि वो जो करना चाहती है वो कर रही हैं। लेकिन अगर वो ये सोचती है कि बाकी लोग जो बॉलीवुड में हैं वो गलत है, तो वो गलत है, क्योंकि अगर उन्हें जो वो करना चाहती है उनसे कोई नहीं रोक रहा, तो दूसरों को जज भी उन्हें नहीं करना चाहिए। एवरीबडी शुड डू व्हाट दे वांट टू डू यार। ज़ायरा वसीम अगर रिलीजन के रास्ते पे चलना चाहती है बहुत अच्छा है, अगर वो फिल्मों में रहना चाहती है बहुत अच्छा है। एक दुनिया को या दूसरी दुनिया को बुरा कहना बुरी बात है। मुझे लगता है कि इट्स हर चॉइस, वो किसी भी नाम से उस एक्टिंग करना चाहे नहीं करना चाहे, इट इज़ फाइन, मुझे कुछ ऑब्जेक्शन नहीं है उन्होंने किस तरह से किया है या कुछ भी। इट्स हर लाइफ, हर चॉइस, हर रिलीजन, ना उसको हम पॉलिटिकल रिलीजन ना बना के लेट इट बी, उसकी मर्जी है, वो करती है करे, नहीं करती नहीं करती। अब कुछ लोग कहते हैं शेयर क्यों किया,
अब कर दिया तो कर दिया, बिग डील, हमारा इतना क्या बिगड़ गया उसे शेयर कर दिया तो मैं कुछ एंटी नहीं हूँ, कुछ फेवर में नहीं हूँ, हर लाइफ